दोस्तों भारतीय सेना के लिए 150 की संख्या में लोटरिंग एम्यूनेशन खरीदे जा रहे हैं और इस लोटरिंग एम्यूनेशन से भारतीय सेना की कॉम्बैट कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और भारतीय सेना की तरफ से 60 ऐसी शर्त रखी गई है जो कि इस ड्रोन में होनी चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं कि ये सातों शर्त कौन सी हैं। तो दोस्तों भारतीय सेना की तरफ से एक RFI जारी किया गया है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है और इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में भारतीय सेना को 150 की संख्या में आत्मघाती ड्रोन की सख्त जरूरत है और भारतीय सेना इस तरीके के ड्रोन को खरीदना चाहती है और ये वही ड्रोन होने वाला है जिसका अब से 2 दिन पहले ही लद्दाख में सफल परीक्षण किया गया है और अब से 2 दिन पहले ही लद्दाख में इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने 3-3 ड्रोनों का सफल परीक्षण किया है और इस RFI में भारतीय सेना ने अपनी शर्त भी रखी है और पहली शर्त भारतीय सेना की यह है कि भारतीय सेना चाहती है कि ये ड्रोन इलेक्ट्रिकल पावर से चलने चाहिए, यानी कि इन ड्रोनों में ऐसा कोई भी इंजन नहीं लगा होना चाहिए जो फ्यूल की मदद से चलता हो। और दूसरी शर्त में बताया गया है कि ये ड्रोन कैनिस्टर बेस होना चाहिए जिससे इस ड्रोन को लॉन्च करने में भी आसानी हो सके और कैनिस्टर बेस मिसाइल या फिर ड्रोन को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि इस कैनिस्टर को ट्रक पर लादकर ले जाया जा सकता है। और तीसरी शर्त में बताया गया है कि इस ड्रोन में 25 किलो से कम वजन होना चाहिए और चौथी शर्त में बताया गया है कि इस ड्रोन में कैमरा कंट्रोल फ्लाइट सिस्टम होना चाहिए और इस सिस्टम की मदद से भारतीय सेना दूर से बैठकर ही इस ड्रोन को ऑपरेट कर सकती है। पांचवी शर्त में बताया गया है कि इस ड्रोन का एंड्योरेंस टाइम 16 मिनट कम से कम होना चाहिए, यानी कि ये ड्रोन 16 मिनट तक बिना रुके उड़ान भरने के लिए कैपेबल होना चाहिए। और छठी शर्त में बताया गया है कि इस ड्रोन की वॉरहेड कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए जिस वजह से दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम को भी आराम से तबाह किया जा सके। और सातवीं शर्त में बताया गया है कि अगर लास्ट मोमेंट पर हमें अटैक को रोकना हो तो इस ड्रोन में ये खास बात भी होनी चाहिए कि ये एंड मूवमेंट पर भी अटैक को रोक सके। और इस आत्मघाती ड्रोन के लिए आखिरी शर्त ये रखी गई है कि कम से कम 50% टेक्नोलॉजी और 50% इक्विपमेंट इस ड्रोन में भारतीय लगे होने चाहिए और इस ड्रोन की डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट होने के 1 साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए जिससे भारतीय सेना को ये ड्रोन जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों भारतीय सेना की ये मांगे आपको कैसी लगी और क्या भारतीय सेना में देसी ड्रोन शामिल होना चाहिए या फिर नहीं, आप इस बात का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।